भाजपा ने पीएम आवास पात्रता सूची चस्पा का छेड़ा अभियान। दुर्ग के पोटिया वार्ड में कुंदरा पारा पहुंच झुग्गी बस्ती में दावा फॉर्म भरवा कर लोगों को बताया भूपेश सरकार की गरीब विरोधी नीतियां। कांग्रेस सरकार द्वारा पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के पक्के मकान नहीं बनाए जाने के मुद्दे को लेकर आगामी दिनों होने वाले बड़े आंदोलन के पूर्व शहर में जनता को वास्तविकता बताने व पात्रता सूची की जानकारी देने बुधवार को भाजपा कसारडी बोरसी मंडल द्वारा पोटिया वार्ड नंबर 54 कुंदरा पारा सार्वजनिक मंच में वर्ष 2016-17 की प्रधानमंत्री आवास की पात्रता सूची चस्पा करने के अभियान की शुरुआत किया गया, जिससे जिला भाजपा मंत्री व पीएम आवास आंदोलन प्रभारी दिनेश देवांगन ने नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, गायत्री साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सहित वार्डवासी मौजूद थे। इस दौरान वार्डवासियों से दावा आवेदन फॉर्म भी भरवाया गया, साथ ही पोटिया वार्ड 54 में लगभग 2000 से अधिक लोगों की पात्रता सूची चस्पा कर जनता को वास्तविकता बताई गई। यह अभियान शहर के सभी वार्डों में चलेगा, जहां तक वार्डों की पात्रता सूची चस्पा की जाएगी। इस संबंध में भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सबकी आवास योजना मिशन के तहत 2016 में प्रारंभ हुई थी, जिसके तहत पूरे प्रदेश के और देश के लोगों को जो आवासहीन परिवार है या जिनके कच्चे मकान हैं, इन सबको पक्के मकान देना था। इसी के तहत 2016 में चंद्रिका चंद्राकर जी के पिछले परिषद में नगर निगम में दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में भी व्यापक सर्वे हुआ था और उसमें ऐसे लोगों की सूची बनी थी जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, तो किराए के मकान में रहते हैं, या ऐसे लोग जो कच्चे मकान में रहते हैं, खुद की रजिस्ट्री या पट्टा नुमा मकान है, इनका पक्का करना था और इसके लिए व्यापक सर्वे हुआ था और लगभग 19,060 वार्ड से लगभग 19,000 लोगों की बकायदा सर्वे सूची आई थी। उस विभाग का नगर निगम में चेयरमैन होने के कारण उस सूची को हम लोगों ने पब्लिश किए थे, दावा आपत्ति हुआ था, उसके बाद उस सूची फाइनल हुआ था। उसी सूची के आधार पर जो अभी मोर मकान मोर आवास बना हुआ है, मोर आवास, इसमें 90,000 में मकान किस्त में देना था। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने उस पूरी सूची को प्रदेश में निरस्त कर दिया है, जिसमें दुर्ग नगर निगम के 19,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आगामी 20 जनवरी के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश स्तर पर करना चाह रही है और उसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो 19,000 सूची है उसको वार्डवार कल से हम लोग चस्पा करने वाले हैं और ये सभी वार्डों में एक अभियान चलेंगे ताकि उन हितग्राहियों को जिनकी सूची में नाम था आज वो सूची से विलोपित हो गया है, उन सबको जानकारी देंगे और आंदोलन के लिए व्यापक तौर पर एक माहौल तैयार करेंगे ताकि एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सके। इस मुद्दे को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशव्यापी आंदोलन दुर्ग में घोषित किया है और इस आंदोलन को व्यापक करने के लिए पहले वार्ड स्तर पर सूची चस्पा करेंगे, उसके बाद मंडल स्तर पर उसका आंदोलन होगा और उसके बाद नगर निगम स्तर पर, विधानसभा स्तर पर आंदोलन होगा, उसके बाद पूरे जिले और उसके बाद प्रदेश स्तर पर एक व्यापक रैली और प्रदर्शन दुर्ग में है, जिसमें प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, इसकी व्यापक तैयारी हो रही है। पीएम आवास योजना के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक सबको आवास योजना तहत पक्के मकान देने का जो योजना लागू किया था वो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के कारण गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और दुर्ग शहर की हम बात करें, दुर्ग शहर में पिछले परिषद में जब चंद्रिका चंद्राकर जी मेयर थी, दुर्ग शहर के 60 वार्डों में जो प्रधानमंत्री आवास बनने के लिए जो लाभार्थियों की सूची बनाना था उसमें सर्वे हुआ था, उसमें पोटिया में भी सर्वे हुआ था और पूरे शहर के 60 वार्डों में सर्वे हुआ था, उसमें 60 वार्डों से 19,000 लोगों की पात्रता सूची तैयार हुई थी और उस पात्रता सूची को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने निरस्त कर दिया है और जिसके कारण दुर्ग के गरीबों को पक्के मकान नहीं बन पा रहे हैं। पोटिया की कुंद्रा बस्ती जो बरसों से आज भी झुग्गियों में रह रहे हैं, इनके मकान पक्का बनना चाहिए, इनका भी मकान पक्का नहीं बन पा रहा है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज पोटिया वार्ड 54 में जो पात्रता सूची उसकी चस्पा अभियान शुरुआत की है और ये सूची 60 वार्डों में चस्पा किया जाएगा। जिन वार्डों की सूची बनी हुई है वहाँ सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चस्पा करेंगे। इस मुद्दे की आंदोलन होना है, इसके लिए हमने आज शुरुआत की और भूपेश सरकार से मांग करते हैं कि गरीबों के हित में उन्हें पक्के मकान बनाने का निर्णय लेना चाहिए और जो मकान महंगी कीमत पर दे रहे हैं उसको भी सस्ती कीमत पर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि प्रत्येक गरीब के घर में पक्का छत हो और उसी के तहत आज से 4 वर्ष पहले आवासहीनों की सूची बनाई गई थी दुर्ग शहर के द्वारा। उन आवासहीनों को आवास नहीं दे करके कांग्रेसियों को आवास बेचने के नाम पर 3,75,000 रुपया लेकर गरीबों को गुमराह किया जा रहा है।
इसलिए आज हम जो पात्र लोग थे उनकी सूची चस्पा करने आए। और दूसर बात, एक बात और कहा में है, मैं आज कुंद्रापारा पोटिया में खड़े हूँ, मोर शुरू से ये मांग है, बाद में मैं अडी खाऊँ कि ये गरीब बन के प्रधानमंत्री आवास कब बनी? 40 जन पात्र गरीब है यहाँ जेकर प्रधानमंत्री आवास आज भी नहीं बने हैं। मैं आयुक्त से मांग करता हूँ, यहाँ के विधायक से मांग करता हूँ, यहाँ के महापौर से मांग करता हूँ कि पोटिया के गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप इन्हें प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति क्यों नहीं देते हैं? वो स्वीकृत आवास है, केवल और केवल विधायक के अकर्मण्यता के कारण कुंद्रापारा के गरीब आज भी आवासहीन हैं। तो पात्र लोगों की हम सूची चस्पा करने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है कि प्रत्येक गरीब के सर में पक्के छत का साया हो, उसे पूरा करने के लिए हम सब भिड़े हैं और आगे हम कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास पूरा इन सबको दिला सके। धन्यवाद। हाँ, इसे पर बता दें दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।